तान तो जो इनकी मांगे हैं वो जायज है और गांव गांव तक जन जन तक पहुंच चुका है। किसानों को इन्होंने क्या दिया है? किसान को डैमेज करना, गुमराह करने का काम इन्होंने कर रखा है। आप देख रहे हैं महाखबर, मैं सुधाकर सिंह। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज फिर एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें अलग अलग पार्टियों से लोग जुड़ रहे थे। आज हमारे साथ भी एक मित्र जुड़ेंगे, एक राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता जुड़ेंगे, जो ये बताएंगे कि इनकी पार्टी का इस पूरे कार्यक्रम में जो ये किसानों से इतर, किसानों ने पहले ही कह दिया था कि ये राजनीतिक संगठन यहाँ नहीं आए, तो किसान आंदोलन से इतर जो लोग खड़े हो रहे हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। आप पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम दयाराम भार्गव, स्वेलदेव भारतीय समाज पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य, उत्तर प्रदेश। जी, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ ये जो संगठन था, जो किसान आंदोलन चल रहा था, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये जायज है, नाजायज है? 51-52 दिन हो गया, सरकार सुन नहीं रही है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, अगर जायज नहीं होता तो आज देश का जो किसान है, अन्नदाता, वो सड़कों पे क्यों होता? आज इस सर्द भरी रातों में एक घंटे जरा सत्ता पक्ष के लोग जरा बिता कर तो देखें, वो लोग ऐसा काम नहीं करते हैं। देखिए, ये जो सरकार चल रही है ये केवल चंद पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं। गांव गरीब किसानों को हमेशा इन्होंने दमन करने का काम किया है। इनके जितने भी इनके नेतृत्व में संगठन हैं वो केवल उद्योगपतियों को एक प्रकार का फोकस करके उनको देश की सारी संपत्तियों को उनके अंदर भी देना चाहते हैं। जिस तरह 1947 से पहले देश गुलाम था, उस गुलामों के जंजीरों में दबे हुए लोग थे, वो उनके केवल एक प्रकार का जो वो कहते थे वही करते थे। तो हमारी देश की इतनी खनिज संपदा भरी हुई है, लेकिन आज देखिए कि महंगाई चरम सीमा पे है। किसान को तो पता ही है, जन जन तक पता है, लेकिन इस सरकार ने केवल लोगों को डरा करके, दबा करके इस चीज़ को एहसास करा दिया है कि अगर आप रोड पर आएंगे तो आपके ऊपर CBI ED डालने का काम करेंगे। जिस तरह अभी आपने देखा होगा किसान संगठन के तमाम लोग जो इसको ऑर्गेनाइज करने का काम कर रहे हैं, कोई किसी प्रकार का हेल्प देने का काम कर रहा, उसके ऊपर NIA का जो है इन्होंने भेजने का काम किया है, जांच बैठाने का काम किया है। तो ये गलत है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और ये मांग करते हैं कि सत्ताधारी जो सरकार है वो इसको वापस ले। मतलब आप कह रहे हैं कि जो भी इस आंदोलन में किसानों के साथ खड़ा होना चाहता है उसको सरकार NIA और ED इन तरीके के संस्थानों से डराना चाहती है, आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार का मंशा है शुरुआत से, आप देख लीजिए। अगर किसानों के बिल के ऊपर आप चर्चा ही करना नहीं चाह रहे, 9 दौर जो इनकी बैठक हुई है उसमें किसानों को इन्होंने क्या दिया है? केवल किसान को डैमेज करना, गुमराह करने का काम इन्होंने कर रखा है। आने वाले 19 तारीख का भी समय रखा है, वहां भी कोई प्रस्ताव है नहीं। इस डर से ईडी और ये जो भी ऐसी संस्थाएं हैं जो डराती हैं, उसके डर से तो नेता आ नहीं रहे हैं बाहर। इनसे आपको, आपकी पार्टी को, आपके लोगों को डर नहीं लगता? नहीं, देखिए, स्वेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, उन्होंने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बना करके सत्ताधारी जो सत्ता में उत्तर प्रदेश में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी को लोग एहसास करा दिया है कि गांव, गरीब, किसान, मजदूर, दलित लोगों के साथ, वंचितों के साथ में ये लोग जो भेदभाव का आडंबर बना रखा है उसको माननीय नेता जी ओम प्रकाश राजभर जी ने उत्तर प्रदेश में एहसास करा दिया कि आपको बात करना है तो पिछले पायदान पर जो बैठा हुआ, ये लोग कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात करते हैं, लेकिन इन्होंने विकास किसका किया? चंद पूंजीपतियों का किया। आप बता दीजिए, शिक्षा का आधार कहाँ है, स्वास्थ्य का आधार कहाँ है? आप देखिए, अगर देखिए उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में चले जाइए, कानून नाम का जो है जानवर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल दब गया है। ये केवल हर किसी के ऊपर एक नया आडंबर लाने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश के योगी महाराज को देख लीजिए, जो CM बनने से पहले जब वो सांसद हुआ करते थे वो केवल बंटवारे की राजनीति करते थे उत्तर प्रदेश में। इसके सिवा उनके बताइए उनका क्या एजेंडा है, कौन सा विकास का मुद्दा है? आज भी जो है विकास का मुद्दा जीरो है, लेकिन वो केवल है। हम विकास और उनके मुद्दे पर ना जाके आपसे ये कहते हैं कि आपकी पार्टी इस आंदोलन को किस तरीके से मदद करेगी? देखिए, आज जो किसान आंदोलन के सहयोग से हम लोगों को बुलाया गया स्वेलदेव भारतीय समाज पार्टी को, देखो विभिन्न पार्टियां थी, जैसे किसानों का यह आह्वान था कि इसमें राजनीतिक पार्टियों को हम लोग इन्वॉल्व नहीं करेंगे। अगर ये लोग चाहते, आज से चाह रहे हैं, तो हम लोग तो सड़क से पहले भी हैं। तो कब से सड़क पे दिखेंगे आप? हम तो आप बता दीजिए, जब से ये आंदोलन चल रहा है हमारा जो है सबसे ज्यादा हम लोग सड़क पे हैं। यूपी बॉर्डर आप देख लीजिए गाजीपुर का, हम वहां हमेशा बैठे हुए, हमारे लोग कार्यकर्ता बैठे हुए, हम किसानों के साथ में हैं। किसान तो जो इनकी मांगे हैं वो जायज है और गांव गांव तक जन जन तक पहुंच चुका है। आज इस बैठक से आप बैठक में मौजूद थे, इस बैठक में जो निचोड़ निकला वो क्या निकला?
वो ये निकला कि ये जो सत्ताधारी सरकार है वो केवल दमन करने की काम कर रही है, बाकी किसान की जो मांग है उस पर कोई इनका चर्चा नहीं है। ये केवल दमन करना चाह रहे हैं, किसानों को भटकाना चाह रहे हैं। अभी आप देखिएगा जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें ये तरह तरह के, जैसे अभी आप देख लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है कि क्या नाम है इसमें खालिस्तानी घुसाए हैं। आप देखिए अगर इस सरकार अगर चाहती, ये जो 52-53 दिन होने जा रहा है, अगर वो खालिस्तानी तो आप ढूंढिए ना, आपके पास NIA है, ED है, CBI है, सब कुछ है। ये तंत्र आपकी जो बनी हुई है किस लिए है? अगर जो उसको ले जाइए, हमारे किसान भाई सब कह रहे हैं ना कि आप ले जाइए, लेकिन एक प्रोपगंडा फैलाना, ये केवल किसानों के जो ये संगठन है इसको किस तरह डैमेज करने का काम कर रहे हैं, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। तो आप देख रहे थे ये सोहेल देव पार्टी से, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के लोग थे जो ये कह रहे थे कि हम लगातार किसानों के साथ खड़े हैं, किसानों को जिस भी तरीके की ज़रूरत होगी हम लगातार उनके साथ खड़े रहेंगे। हालांकि किसानों ने मना किया हुआ था कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हमारे आंदोलन से नहीं जुड़ सकता है, जिस कारण ये इस आंदोलन से ये दूरी बनाए हुए थे। लेकिन आज यहाँ जो सब संगठन के लोग जुटे थे तो ये बात हुई कि अब राजनीतिक लोग एक मंच बना रहे हैं, तो उसमें इन्होंने साफ साफ कहा कि हम सड़क पर उतरेंगे और सड़क पर इनको समर्थन देंगे, जहाँ सड़क जाम करनी होगी, जहाँ भी इनके लिए खड़ा होना होगा ये हमेशा खड़े रहेंगे। आप बने रहें महाखबर के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं हमारे Facebook पेज को लाइक करें। बने रहें महाखबर के साथ, मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।